शनिवार को दिल्ली के AICC मुख्यालय में एक मीटिंग होगी। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। हार पर मंथन होने वाली इस मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। बता दें, इस मीटिंग से पहले राहुल गांधी रात में विदेश यात्रा के लिए निकल रहे थे, लेकिन पार्टी के कुछ शुभ चिंतकों ने राहुल गांधी को सलाह दी कि अभी विदेश यात्रा करने का सही समय नहीं है। राहुल गांधी ने अपने शुभ चिंतकों की सलाह मानते हुए विदेश यात्रा पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी बदलाव होने से पहले हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। बता दें, आजादी के बाद से ये कांग्रेस की तीसरी करारी हार है, जब पार्टी ने सिर्फ 59 सीटें जीती है। लेकिन शनिवार को होने वाली मीटिंग से पहले कई तरह के सवाल यहाँ खड़े हो गए हैं। क्या मीटिंग में सच में हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा? क्या मीटिंग में सच में गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? क्या मीटिंग में सच में उन गलतियों पर विचार किया जाएगा जो कांग्रेस पार्टी के सिस्टम में घुस गई है और पार्टी के कामकाज को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, या फिर ये मीटिंग सिर्फ एक टाइम पास वाली मीटिंग है? कि कई तरह के बड़े सवाल इस मीटिंग को लेकर यहाँ खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब शायद शनिवार को होने वाली मीटिंग में मिल सकता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां गहलोत अपनी हार के कारणों के बारे में जानकारी देंगे। सूत्रों के मुताबिक गहलोत का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार भाजपा द्वारा किए गए ध्रुवीकरण की वजह से हुई है। गहलोत अपनी गलतियां मानने के बजाय हार का ठीकरा भाजपा के सर फोड़ रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा कि शनिवार को होने वाली इस मीटिंग में गहलोत अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं या अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गहलोत को लगता है कि उनका जन्म सिर्फ राज करने के लिए हुआ है। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।